ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आपकी किस्मत चल गई तो सेकंड पेपर के अंदर लॉन्ग में 25 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। टाइम डिपेंडेंट भी आ सकती है, इंडिपेंडेंट भी आ सकती है, और दोनों भी पेपर में आ सकती हैं। तो ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हम भी पूरी एनर्जी के साथ में और होश और आवाज में आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भैया आज के इस क्लास को। सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग डाली है टाइम डिपेंडेंट, यानी जो समय पर निर्भर करे, एंड टाइम इंडिपेंडेंट, जो समय पर निर्भर ना करे। श्रोडिंगर इक्वेशन यानी श्रोडिंगर की वो इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट भी हो और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो, दोनों तरीके से हमें प्रूव करनी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके प्रूव करेंगे भाई। पहली इक्वेशन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन लेके आओ जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, समय से इंडिपेंडेंट हो, समय से स्वतंत्र हो, ऐसी इक्वेशन आपको प्रूव करनी है भाई। ठीक है, चलो बताते हैं, समझाते हैं, सुनो। सबसे पहले तो ये समझो कि श्रोडिंगर का रोल क्या है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है मेरे भाई, लेकिन हम आराम से समझाएंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ो कि आपका कल पेपर है। ठीक है, श्रोडिंगर का रोल क्या, श्रोडिंगर की बात करें, डी ब्रोगली की बात करें, इन लोगों ने मेरे भाई ओवरऑल अगर शॉर्ट में हम आपको बताएं तो क्या चर्चा की कि अगर कोई बहुत स्मॉल पार्टिकल है और बहुत तेजी से गति कर रहा है मेरे भाई, अंधाधुंध गति कर रहा है, तो इस स्मॉल पार्टिकल के अंदर मास तो है, यानी द्रव्यमान तो है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। साथ ही साथ जब यह अंधाधुंध गति करता है तो यह अपने पीछे एक तरंग छोड़ता हुआ जाता है, अपने पीछे एक तरंग छोड़ता हुआ जाता है। इसका मतलब इन लोगों ने मेरे भाई ओवरऑल बात करी कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल और अंधाधुंध गति कर रहा है तो मेरे भाई उसमें मास यानी पार्टिकल का भी नेचर होता है, मास यानी पार्टिकल का भी नेचर होता है, और दूसरे मेरे भाई उसमें वेव नेचर भी होता है, अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, और सरल भाषा में कहें तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें कण के गुण भी होते हैं, तरंग के गुण भी होते हैं, यानी पार्टिकल के गुण भी होते हैं और वेव के गुण भी होते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहते हैं भाई। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जब ये सारी चीजें घूमने लगी, श्रोडिंगर ने इक्वेशन प्रपोज करी, तो इसका इस्तेमाल हम लोगों ने कहां से किया है, एक श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रूव करी थी भाई, ठीक है, केमिस्ट्री में। लेकिन ये फिजिक्स है तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट प्रूव करनी है। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग जानते हैं, वी नो, कहां से जानते हैं, मैक्सवेल्स के रिलेशंस के ओवरऑल कंक्लूजन के बाद जो 3D इक्वेशंस मेरे भाई हम लोग देखते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि डेल स्क्वायर साई बराबर 1/u² डेल स्क्वायर साई अपान में डेल्टी स्क्वायर होता है। ध्यान से समझो, बहुत ही आसानी से प्रूव करेंगे, इस बात की गारंटी है। ये कहां से उठा ला है भैया, मैक्सवेल की मदद से ले आए, डेल स्क्वायर साई बराबर 1/u² डेल 2 साई बटे में डेल्टी स्क्वायर। ठीक, समीकरण एक बना ली, इसमें कौन सी चीज क्या है पहले तो ये बताएंगे। तो भैया यहां पर ये जो डेल स्क्वायर है इसका मान होता है डेल 2/del x² प्लस डेल 2/del y² प्लस डेल 2/del z² जिसे जहां पर मेरे भाई इसे हम लोग कह देते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या कह देते हैं, डेल स्क्वायर को हम लोग कह देते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। और साई क्या है, साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, यानी साई फंक्शन है, फलन है किसका, पोजीशन का और टाइम का। फर्स्ट ईयर में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था, किसी भी फंक्शन की बात करोगे तो आपको बताना पड़ेगा ना पोजीशन, कोई भी घटना हुई है तो कहां हुई है और कब हुई है, यानी पोजीशन का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन है। कौन, साई मेरे भाई, साई फंक्शन है पोजीशन का और टाइम का भाई। ठीक है, बराबर 1/u², u क्या है भाई, वेग है यानी वेलोसिटी है, साई क्या है, साई भाई फंक्शन है, सीधी सी बात है, और t टाइम है। तो हमने बता दिया कि भैया हमने मैक्सवेल का रिलेशन इस्तेमाल किया है, डेल 2 साई बराबर 1/u² डेल 2 साई अपान में डेल t स्क्वायर, जहां पर डेल स्क्वायर का मान इतना है भाई, ठीक, जिसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। सारी चीजें हमने बता दी, 3D स्पेस के लिए साफ साफ लिख दिया कि भैया साई फंक्शन है, किसका फंक्शन है भाई, साई बताओ, साई फंक्शन है मेरे भाई किसका, एक्स का, वाई का, जेड का, ये पोजीशन हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये पोजीशन हो गई, और साथ में मेरे भाई टी का, टी क्या हो गया, समय हो गया। ठीक, तो यानी जो साई फंक्शन है वो इन तीनों को अगर हम लोग पोजीशन को आर से लिख लें तो आर कॉमा टी, यानी जो साई फंक्शन है वो आर यानी पोजीशन का है और टी का है भाई। कोई भी इवेंट है, कोई भी फंक्शन है, वो दो चीजों पर ही डिपेंड करेगा, एक पोजीशन क्या है और एक टाइम क्या है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है,
तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े, हम लिख दिया यू क्या है, वेलोसिटी है, और वेव एंड टी इज द टाइम भैया, ठीक है। तो सरल भाषा में अभी तक हम कहां पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे, वहीं से शुरुआत की है। केवल एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए, वो रिलेशन क्या है, डेल भाई, डेल ऑपरेटर्स का जो स्क्वायर है, डेल स्क्वायर साई बराबर 1/u2, डेल टू साई बटे में डेल टी स्क्वायर, सारी चीजें हमने लिख के दिखा दी, ठीक। अब जो इस तरीके की इक्वेशन होती है, जो हमने लिखी हुई है 1/u2, इस तरीके से जो मैक्सवेल से उठाया हमने, उसका मेरे भाई हमें सोल्यूशन कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनके सोल्यूशन मान ले रहा है, कुछ इस तरीके के सोल्यूशंस होते हैं। तो हमने एक सोल्यूशन मान लिया, क्या माना भाई, हमने माना साई बराबर साई जीरो एक्स वाई जेड, तो मतलब कुल मिला के दिखा रहे हैं कि भैया एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी, तो यहां पर टाइम भी आ गया भाई, ठीक। अब ध्यान से समझो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साई बराबर साई जीरो, अरे भाई एक्स वाई जेड के फंक्शन है, बार बार थोड़ी कहेंगे, पहली बार किसी से मिलवाएंगे तो कहेंगे ये मेरे जीजा जी हैं, या ये मेरे मौसा जी हैं, या जो भी है मेरे भाई, हर बार थोड़ी गाना गाते घूमेंगे ये मेरे जीजा है, मेरे पहचान गया मेरे भाई आदमी। तो इस तरीके से बार बार एक्स वाई जेड लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमने मान लिया कि जो इक्वेशन हमने उठाई है मैक्सवेल से भैया, उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके का होगा, साई बराबर साई जीरो ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी, इस तरीके का सोल्यूशन होगा भाई, ठीक। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया बताओ, डी साई अपॉन डी टी, सभी को पता, फाइनल ईयर में हो मैथ लेके बैठे होगे भैया, जब फिजिक्स तुम्हारे पास है, ठीक है। अब भले ही फाइनल ईयर में छोड़ दिए हो, लेकिन दो साल तो मैथ रही होगी ना, तब भी डिफरेंशिएशन तो बेसिक चीज है भाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो क्या आएगा, डेल साई अपॉन में डेल टी बराबर में साई जीरो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन भैया गुणे में कितना चल रहा है, टी के, माइनस का आई ओमेगा एक्स्ट्रा चल रहा है, जो एक्स्ट्रा होता है उसे गुणे में लिख देते हैं, तो माइनस के आई ओमेगा को गुणे में लिख दिया भैया, ठीक है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन और कर दिया, एक बार जब डिफरेंशिएशन और किया क्या आया बताओ, डेल टू साई बटे में डेल टी स्क्वायर बराबर में साई जीरो आ गया, कोई दिक्कत भैया, माइनस का आई ओमेगा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, एक बार और अवकलन किया तो ई की पावर आई ओमेगा टी, और एक बार फिर टी के साथ में माइनस का आई ओमेगा है, तो माइनस का आई ओमेगा रख दिया भाई, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझते रहना भैया, डबल डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, लेवल बिल्कुल ग्राउंड पर हम चलना है, ठीक। अब यहां पर देखो भैया एक मिनट, भैया ये देखो एक माइनस एक और माइनस, और आई आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, तो भैया ये माइनस वन और माइनस वन क्या हो गया, प्लस हो गया, केवल एक माइनस बचेगा, यहां माइनस लगा दिया, अब देखो क्या बचा, माइनस लगा दिया, ठीक, क्या बचा बताओ, साई जीरो बचा, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर बचा, और ई की पावर माइनस का ओमेगा टी बचा। ऊपर आप देखिए हमने मान रखा है साई बराबर साई जीरो ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी, तो भैया साई बराबर साई जीरो और ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी क्या बन गया, साई बन गया, माइनस लग गया, ओमेगा एक ओमेगा ये, एक ओमेगा ये, क्या बन गया, ओमेगा का स्क्वायर बन गया भैया, ठीक है। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन वन, जो अपनी पहली वाली इक्वेशन है, जो सोल्यूशन मान रखा है, क्या मतलब, जो हमने इक्वेशन मान रखी है मैक्सवेल से, कि डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस का बन अपानी माइनस का बन अपानी स्क्वायर साई, यहां पे देखो आपको दिखाते हैं, ये देखो पहली इक्वेशन अपनी क्या है बताओ, अपनी पहली इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई बराबर बन अपान यू स्क्वायर डेल टू साई बटे डेल टी स्क्वायर, ये मान हमने निकाल लिया है भैया, ये देखो क्या मान निकाला हमने, डेल टू साई बटे डेल टी स्क्वायर का मान निकाला है, माइनस का साई ओमेगा स्क्वायर, इसे उठा के समीकरण एक में रख दिया, समीकरण एक में रखा ये माइनस आ गया, साई ओमेगा स्क्वायर आ गया इसकी जगह पे, और बन अपान यू स्क्वायर चल रहा था, वो चलता रहा भाई, ठीक है। अब क्या किया, ओमेगा स्क्वायर बटे में यू स्क्वायर लिख दिया, साथ में साई लिख दिया भैया, ठीक है। ओमेगा का मान 2π न्यू या 2π एन के बराबर होता आवृत्ति के पदों में, तो ओमेगा बराबर होता है 2π न्यू, ठीक, ये क्या है, न्यू माने फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, डेल टू साई बराबर भैया देखो माइनस आ गया, 2π न्यू रखेंगे, 2 मतलब स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, न्यू स्क्वायर हो गया, बटे में यू स्क्वायर है, साई है भाई, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैक्सवेल की हमने इक्वेशन मानी, उसका एक सोल्यूशन माना, एक बार डिफरेंशिएशन किया, दो बार डिफरेंशिएशन किया, उठा के मान रख दिया, मान रखने के बाद ओमेगा बराबर 2π न्यू रख दिया, 2π न्यू रखने के बाद मेरे भाई नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है बेग, मेरे भाई बी बराबर होता है एन लैम्डा, बेग में और आवृत्ति में संबंध होता है, यहां पर बेग को हम लोग यू से लिख रहे हैं, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिख रहे हैं, ठीक है, संग में लैम्डा, तो यू बराबर न्यू लैम्डा होगा, यू बराबर न्यू लैम्डा निकाल लिया, यहां भैया इसे हम लोगों ने यू को नीचे भेज दिया, लैम्डा को इधर ले आए, तो न्यू अपान में यू बराबर आ गया बन अपान में लैम्डा, ये देखो न्यू
बटे में यू बराबर वन अपान लैमडा स्क्वायर है, तो ये वन अपान लैमडा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई बराबर माइनस का फोर पाई स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया वन अपान लैमडा स्क्वायर साई आ गया भाई, ठीक है। ये उधर माइनस का है, इधर ले आए तो प्लस का हो गया भैया, डेल टू डेल स्क्वायर साई प्लस का फोर पाई स्क्वायर बटे में लैमडा स्क्वायर साई बराबर में जीरो आ गया भाई, ठीक। अब देखो जब हमने यहां तक क्वेश्चन को पहुंचा लिया, साथ में करो कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है, लेवल बाई लेवल चल रहा है भैया, ठीक। अब हमने जब यहां क्वेश्चन को पहुंचा लिया तो हम लोगों को मालूम है कि भैया जो कुल ऊर्जा होती है, जो कुल ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो हमने लिख दिया टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। ई आ गया भैया, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कहां से लिखते हैं, बी से लिखते हैं। हमने क्या किया, बी को इधर भेज दिया, तो ई माइनस बी बराबर क्या आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया भैया, जरा ये भी देखो, टू को ऊपर भेज दिया, एम को नीचे भेज दिया, तो भैया टू आ गया, ई माइनस बी आ गया, बटे में एम आ गया। यहां बेग वाला स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को हटा दिया, अंडर रूट लगा दिया, तो वी का मान मेरे पास आ गया। ध्यान से समझो, फाइनल ईयर में हो इतना कुछ कठिन नहीं है। सुनो, जब हमने वी का मान निकाल लिया तो हमने दोनों तरफ एम से गुणा कर दी, देखते रहना, इधर हमने एम से गुणा करी तो ये एम बी हो गया, यहां एम से गुणा करी, जब इस एम को अंदर ले जाएंगे तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू एम ई माइनस बी बचेगा। एम इंटू बी क्या हो गया, संवेग पी हो गया, पी बराबर अंडर रूट टू एम ई माइनस का वी हो गया, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है। हम लोगों को पता है भैया डी ब्रॉगली समीकरण क्या होती है, डी ब्रॉगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर एच अपान पी, तो पी बराबर हो जाएगा एच अपान लैम्डा, और पी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट टू एम ई माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, एच अपान लैम्डा आ जाएगा भाई, ठीक है। सीधा सा तरीका है। अब देखो क्या किया हमने, वन अपान लैम्डा का हमने मान निकाल लिया, एच को भेज दिया नीचे, जब वन अपान लैम्डा का मान मेरे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सिक्स में इसे रख देंगे। जरा देखो भैया इक्वेशन सिक्स क्या है, देखो यहां बटे में लैम्डा स्क्वायर चल रहा है, वन अपान लैम्डा स्क्वायर का मान यहां रखेंगे तो ये जो भी वन अपान लैम्डा का मान हमने निकाला है ये स्क्वायर के रूप में आएगा, कैसे स्क्वायर के रूप में आएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये मान हमने यहां रख दिया। देखो डेल स्क्वायर साई प्लस फोर पाई स्क्वायर, यहां लैम्डा स्क्वायर चल रहा था तो वन अपान में एच है तो यहां एच स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में था भैया, अंडर रूट में क्या था, टू एम ई माइनस का वी, तो ये ई माइनस बी टू एम रूट के बाहर आ गया, संग में साई चल रहा था, साई आ गया, बराबर में जीरो आ गया भैया, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है कि भैया एच अपान जो टू पाई है इसे हम लोग, बहुत सारे लोग एच कट भी कहते हैं, एच बार भी कहते हैं, एच बार ज्यादा अच्छा टर्म है, तो एच अपान टू पाई को एच बार भी हम लोग लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, जरा देखो एच अपान टू पाई को क्या लिख सकते हैं, एच बार लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग एच स्क्वायर अपान टू पाई स्क्वायर करें तो एच बार का स्क्वायर हो जाएगा। उल्टा देखो यहां पर लिखा हुआ जी एच स्क्वायर बटे में टू पाई यानी फोर पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर यहां इसे हम लोग 4 पाई बटे एच स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, वही 1 अपान एच कट का स्क्वायर हो गया, समझ गया भैया कैसे हुआ, बताओ एच अपान टू पाई को क्या लिख सकते हैं, बताओ एच बार लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर अपान फोर पाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एच बार का स्क्वायर लिखेंगे। यहां पे उल्टा है, फोर पाई स्क्वायर ऊपर है, एच स्क्वायर नीचे है, तो ये फिर 1 अपान एच बार स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, इसका हमने मान रख दिया, देखते रहना भाई, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई प्लस का 2m चल रहा है, चलता रहा, बटे में h बार का स्क्वायर आ गया, e माइनस बी साई बराबर में जीरो आ गया भाई, ठीक। दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t, इस वाली समीकरण में कहीं भी समय नहीं आ रहा है, कहीं भी टाइम नहीं आ रहा है, जब टाइम नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये भैया टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, समय से स्वतंत्र इक्वेशन है और इस तरीके से चीजें चलती है, सो इट इज कॉल्ड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भैया, ठीक है। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो भाई मेरे जहां से इक्वेशन स्टार्ट करी थी, साई का जब पहली बार डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस का आई ओमेगा साई जीरो ई की पावर माइनस का आई ओमेगा टी, सीधी सी बात है, इस तरीके से निकल के आया था। डेल साई अपॉन डेल टी लिख दिया, बराबर लिख दिया, यहां देखो भैया साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी को साई लिख सकते हैं, तो साई लिख दिया, माइनस लगा है लगा रहन दिया, आई लिखा है लिखा रहन दिया, ओमेगा बराबर टू पाई न्यू लिख सकते हैं, लिख दिया भाई, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, प्लांक ने यह समीकरण दिया था ई बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू लिख दिया, यहां से न्यू का मान निकाल लिया, एच लाएंगे तो E अपान एच हो गया भाई, ठीक। अब देखो डी साई अपान डेल साई अपान डेल टी है, लिखा रहने दिया, माइनस है साई है,
आई है, ठीक है। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, देखो साई जैसे था वैसे ही लिखा हुआ है। यार तुम लोग बड़े क्लास में हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी बताते हैं। देखो ये साई लिखा है, ये साई लिखा है, ये आई लिखा है, ये आई लिखा हुआ है, और ये देखो टू पाई लिखा है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, न्यू का मान है E अपान में H, तो ये 2 पाई अपान H क्या बन जाएगा, H बार बन जाएगा, और गुणे में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो इस तरीके से H बार बन गया, गुणे में मेरे भाई E आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, डेल साई अपान डेल टी रखा, माइनस का I लिख लिया, H बार लिख लिया, और ये क्या हो गया, देखो भैया E है और साई है, तो ये E साई हमने इकट्ठा करके लिख दिया भैया, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये भी बता देते हैं मेरे भाई, यहां देखो ये माइनस चल रहा है, ध्यान से समझना, माइनस चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो, बात तो एक ही है, यहां ना लगाओ यहां लगा लो, बात तो एक ही है। माइनस को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो आई नीचे एच के संग में आ जाएगा भैया। तो हमने क्या किया, ई साई को यहीं लिखा रहने दिया, इस माइनस को हटा के नीचे आई स्क्वायर लिखा, एक आई उड़ा दिया, जो आई एच बार है भैया ये इधर आ गया, तो आई एच बार बराबर क्या आ गया, डेल साई अपान में डेल टी आ गया, ठीक भाई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन जो अपनी 8 हमने बना रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे और इन सारी इक्वेशंस को मर्ज कर देंगे, बात खत्म हो गई। कहां आए इक्वेशन 8 बताओ, लो भैया ये आ गई इक्वेशन 8, बताओ क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस का 2m अपान h बार स्क्वायर e माइनस का b साई बराबर 0 होता है भैया, ठीक। लो क्या करा हमने, देखो फ्रॉम इक्वेशन 8 हमने लिख दिया, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 8, कहां गई इक्वेशन 8 भाई, ये है देखो, फ्रॉम इक्वेशन 8 बताओ क्या, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपान h बार स्क्वायर e माइनस का b साई बराबर 0 होता है। डेल स्क्वायर साई ऐसे रखा, 2m अपान h बार स्क्वायर ऐसे ही रखा, और ये देखो e जब अंदर आएगा साई तो क्या आएगा, e साई माइनस का बी साई, और ई साई का मान देखो हमने निकाल लिया, आई एच बार ये लिख दिया, डेल साई अपान डेल टी लिख दिया, माइनस का बी साई बराबर 0 लिख दिया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, लो ये भी समझ लो भाई, ध्यान से समझते रहना, एक एक स्टेप को समझते हुए चलो, शायद आपको थोड़ा सा कठिन लगे लेकिन है नहीं भाई, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये जो ये वाला टर्म है भैया डेल स्क्वायर साई, इसे हम लोगों ने उधर भेज दिया। जब हमने डेल स्क्वायर साई को उधर भेजा, ध्यान से समझते रहना, ये डेल स्क्वायर साई उधर गया, जब डेल स्क्वायर साई उधर जाएगा तो माइनस का डेल स्क्वायर साई हो जाएगा, ठीक भैया, उधर तो जीरो चल रहा था ना, तो माइनस का डेल स्क्वायर साई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बताओ, 2m बचेगा, बटे में h बार स्क्वायर बचेगा, आई एच बार बचेगा, डेल साई अपॉन डेल टी बचेगा, माइनस का बी साई बचेगा, ये बचेगा भैया, ठीक। बराबर में क्या चल रहा है बताओ, बराबर में क्या ले गए हम, डेल माइनस के डेल स्क्वायर साई को ले गए। इसे जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस है, क्या आएगा, एच बार का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 2m नीचे आ जाएगा, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डेल स्क्वायर लिखा है, ये एच बार ऊपर जाएगा, माइनस का एच बार स्क्वायर लिखा है, बटे में 2m आ जाएगा, तो 2m लिखा हुआ है, ठीक, ध्यान से समझते रहना। उसके बाद ये माइनस के बी साई को भी उधर भेज देंगे, तो ये प्लस का बी साई हो गया, दोनों में साई है तो साई को हमने कॉमन निकाल लिया। ये जब उधर चला ही गया तो सिर्फ क्या बचा, आई बचा, एच बार बचा, डेल साई अपान में डेल टी बचा, यानी कुल मिला के पहले हमने इसे उधर भेज के माइनस बनाया, ये जो गुणे में ब्रैकेट के बचा इसे ऊपर और नीचे भेज दिया, जब ये इक्वेशन एक बन गई तो माइनस को भी उधर भेज के साई को हमने कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से साई कॉमन आ गया भाई, ठीक है। अब दो केवल टर्म लगाएंगे और फाइनल इक्वेशन बन जाएगी भाई। क्या टर्म बनाया, माइनस एच बार स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस का जो v है इसे हम लोग एच कैप लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, एच कैप इसे लिख सकते हैं, और ये जो ये चल रहा है आई एच बार डेल साई अपॉन डेल टी है इसे हम लोग ई साई लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस पूरे को अगर हम एच कैप लिख दें तो यहां पर आ जाएगा एच कैप साई, यहां पर ई साई आ जाएगा, दोनों को हमने भैया इस्तेमाल किया, यहां बन गया एच कैप साई बराबर में आ गया ई साई। इक्वेशन 10 एंड 11 रिप्रेजेंट द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ध्यान से अगर आप देखोगे तो भैया यहां भी आपको टी दिखाई दे रहा है, ये देखो ये है इक्वेशन नंबर 10, इसके अंदर भी आपको टी दिखाई दे रहा है। जो इक्वेशन नंबर 11 है भैया इसकी जगह पे ये तो हमने टर्म लिखे हुए ना, लेकिन भैया अगर हम इसे खोल के लिखेंगे एच कैप का मान खोल देंगे तो ये आ जाएगा, ई साई का मान खोल देंगे तो फिर से एक बार टी आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन 10 और 11 है इनके अंदर टी का मान है, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं भाई, ठीक है। काफी बड़ा ये डेरिवेशन है तो बार बार समझाने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप देखो नॉर्मल चला है भैया, मैक्सवेल का रिलेशन उठाया हमने, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने डिफरेंशिएशन किया, एक सॉल्यूशन मान के दूसरा करा, मान उठा के रखा, पुट करते चलेगा, एक इक्वेशन बना ली, फिर जो दूसरा वाला डिफरेंशिएशन सिंगल वाला था उसे हल किया, हल करते करते ले आए एच कैप साई बराबर ई साई, और इस तरीके से भैया टाइम डिपेंडेंट और टाइम इनडिपेंडेंट इक्वेशन को आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। पेपर में अगर आपकी किस्मत चली तो ये 25 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो भैया मन लगा के इसे पढ़ डालो। पीडीएफ को हम तुरंत डाल देंगे भाई, अपना टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री चैनल है, 60,000 से ज्यादा वहां पर फॉलोअर्स हैं,
एक बार प्रॉपर अपने आप इसे लिखो बैठ के। जब लिखोगे, बल्कि कोशिश करो, अगर आज की रात फ्री हो तो भैया इस वीडियो को दो बार तीन बार रोक रोक के साथ साथ में डेरिवेशन करो कि कैसे हुआ है। सोच के देखो, भले ही आपके 4-6 घंटे जाएंगे लेकिन 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।